हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ अपना विंटर सीजन नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। और आप लोग मुझे पूछते रहते हो कि दी अभी विंटर सीजन है, तो आप विंटर सीजन में अपनी स्किन की केयर किस तरीके से करते हो, क्या अपने चेहरे पे लगाते हो, हम लोगों को भी बताइए और हम सभी के साथ शेयर कीजिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं नाइट में अपनी स्किन की केयर किस तरीके से करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपको अपने स्किन की केयर तो करनी है, साथ में आपको अच्छी डाइट लेनी है। अगर आप चाहती हो कि आपकी जो स्किन है हमेशा स्मूथ, सॉफ्ट और शाइनी बनी रहे, तो इसके लिए अच्छी डाइट का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छी डाइट नहीं लोगे, तला भुना ज़्यादा खाओगे, मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा खाओगे, तब आपकी जो स्किन है उस पर पिंपल्स निकलने की प्रॉब्लम, एक्ने की, झाइयों की, डार्क स्पॉट्स की, इन सब की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको अच्छी डाइट लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, हरी सब्जियाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करनी है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि नाइट में मैं अपनी स्किन की केयर किस तरीके से करती हूँ। सबसे पहला स्टेप मेरा होता है कि मैं कभी भी मेकअप के साथ नहीं सोती। मेकअप साफ करने के लिए मैं यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करती हूँ आपको बता देती हूँ, और कई बार तो मैंने आपको बता भी दिया होगा। तो देखिए, सबसे अच्छा टोनर होता है रोज वाटर मेरी नज़र में, और मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसी से अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लेती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चेहरे पे आज थोड़ा सा हैवी मेकअप है, तो मैं इसकी जगह लेती हूँ एलोवेरा जेल, इससे भी मैं अपने मेकअप को साफ कर लेती हूँ। या फिर मैं लेती हूँ कोई भी ऑयल जो मेरी स्किन को सूट करता है, ये है बादाम रोगन, ये भी मेरी स्किन को बहुत ही अच्छे से सूट करता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा मेकअप को अच्छे से साफ करना। लेकिन मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं है, क्योंकि मैंने लगाया हुआ है एलोवेरा जेल, हल्की सी लगाई है लिपस्टिक और बिंदी, इससे ज़्यादा मेरे चेहरे पे कोई मेकअप नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं, वो तो मैं लगाती भी नहीं हूँ, बहुत ही कम लगाती हूँ, कभी कभार मतलब। तो देखिए, सबसे पहले मैं इससे अपने चेहरे को कर लेती हूँ अच्छे से साफ। तो मैं यहाँ पे लूंगी कॉटन, और ये मैंने लिया है रोज वाटर, और इससे मैं अपने चेहरे को साफ कर लेती हूँ। तो देखिए, जो गुलाब जल होता है ना, अभी आपको दिखाऊंगी इसमें कि मेरे चेहरे पे कितना मेकअप है, बहुत ज़्यादा मेकअप है नहीं। जो गुलाब जल होता है ना, ये हमारी स्किन को टाइट करता है, तो आप गुलाब जल अपने चेहरे पर जरूर लगाया करें। तो देखिए, मैंने आपके सामने अपने चेहरे को अच्छे से साफ किया है। जो लिपस्टिक थी वो भी इसमें आ गई, मेरा साफ हो चुका है। अब देखिए, अब मैं करने जा रही हूँ स्क्रब। जो मैं स्क्रब करने के लिए जा रही हूँ, ये मैं डेली नहीं करती हूँ। आप लोग ये सोचो कि मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन है तो स्क्रब भी आपको डेली ही करना होगा, या फिर मैं खुद डेली करती हूँ, डेली नहीं करती। मैं स्क्रब करती हूँ हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, ठीक है ना। तो स्क्रब करने के लिए मैं क्या लेती हूँ, तो देखिए ये है एलोवेरा जेल, मैं थोड़ा सा लूंगी एलोवेरा जेल, ये देखिए इतना सा, और इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ ये है सूजी, जिसका हम हलवा बनाते हैं। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप इसके जगह चावल का आटा भी ले सकते हो, या फिर हल्का सा मोटा पिसा हुआ बेसन ले सकते हो, या फिर आप इसके अंदर डाल सकते हो शुगर पाउडर डाल सकते हो, यानी कि जो चीनी होती है उसे ये थोड़ा सा मोटा पीस लें और उसको इसके अंदर डाल लें। तो देखिए, मैं सूजी ले रही हूँ, और इससे भी बहुत ही अच्छा स्क्रब होता है नेचुरल एकदम। तो इसमें मैंने डाल दिया एलोवेरा जेल, में डालने के बाद इन दोनों को मैं मिला लूंगी। तो देखिए, दानेदार हमारा स्क्रब बनके हो गया तैयार, ये देखिए। अब इसी से क्या करना है, मुझे अपने चेहरे का स्क्रब करना है, और स्क्रब करने के लिए मुझे कितना टाइम देना है, स्क्रब करने के लिए मुझे 2 मिनट का टाइम देना है। तो 2 मिनट के लिए मैं कर लेती हूँ स्क्रब। कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अपने चेहरे को साफ कर लेना है। तो देखिए, चेहरा साफ करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है नॉर्मल पानी, इस हैंकी को इसमें डाला है, डालने के बाद सारा पानी इसका निकाल लिया। अब मैं अपने चेहरे को कर लेती हूँ साफ। और देखिए, चेहरे को मैंने साफ कर लिया, तो स्क्रब मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं करने वाली हूँ, अब मैं मतलब अपने चेहरे पे एक पैक लगाऊंगी, ठीक है। अब जो मैं आपको पैक बताने जा रही हूँ, इस पैक को भी मैं डेली नहीं लगाती हूँ, इस पैक को मैं हफ्ते में 3 दिन लगाती हूँ, ठीक है ना। तो पैक बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या क्या लेने वाली हूँ आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए,
मेरे तीन स्टेप आपको बताऊंगी और तीनों में ही एलोवेरा यूज में जरूर करूंगी। मेरे पास पतंजलि का है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको भी पतंजलि का ही लेना है, जो आपके बजट में है, जो आपकी स्किन को सूट करे आप वही एलोवेरा जेल ले सकते हो। तो थोड़ा सा लूंगी मैं एलोवेरा जेल और मेरा जो स्किन केयर रूटीन है बहुत ही सिंपल है, आप इसे बहुत ही आसान तरीके से फॉलो भी कर सकते हो। तो देखिए थोड़ा सा लिया एलोवेरा जेल, मतलब मैं एक पैक बनाने वाली हूँ, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं क्या डालने वाली हूँ, मैं डालने वाली हूँ ये गुलाब जल। तो देखिए थोड़ा सा डालूंगी, 3 से 4 बूंदें, तो 3 से 4 बूंदें इसमें हो चुकी है। थोड़ा सा ही मैं इसके अंदर डालूंगी ये बादाम का तेल, बादाम के तेल की मैं 3 से 4 बूंदें डालूंगी इसके अंदर। ये देखिए इसको भी डाल दिया, डालने के बाद इन सबको मुझे अच्छे से मिला देना है। तो यहाँ पे मैंने इन सबको अच्छे से मिला दिया, मिलाने के बाद ये बहुत ही अच्छा सा जेल टाइप में बनके तैयार हो गया। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसे बना के मैं कम से कम 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पे छोड़ देती हूँ, 10 से 15 मिनट के लिए। तो मैं पूरे चेहरे पे इसे लगा लेती हूँ। तो देखिए इसे मैंने अपने पूरे चेहरे पे लगा लिया, लगाने के बाद मैं इसे छोड़ देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। तो आप सभी से मिलती हूँ 10 15 मिनट के बाद। तो देखिए अब मुझे हो चुके हैं पूरे 10 से 15 मिनट और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद मैं क्या करती हूँ। ये दोनों स्टेप मैंने आपको बता दिए कि मैं स्क्रब और ये वाला जो पैक है इसे मैं डेली नहीं लगाती हूँ, पैक को मैं लगाती हूँ हफ्ते में 3 दिन और स्क्रब मैं करती हूँ हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, ठीक है ना। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसे मैं डेली ही करती हूँ, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से देखना, तो देखिए जो मेरी स्किन में ये जो पैक मैंने बना के लगाया था ना काफी अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब मैं डेली करती हूँ अपने चेहरे की मसाज और चेहरे की मसाज करने के लिए आप कुछ भी ले सकते हो जो आपकी स्किन को सूट करे। आप एलोवेरा जेल से भी कर सकते हो, आप कोई भी ऑयल भी ले सकते हो और मैं भी कुछ भी ले लेती हूँ, कुछ भी मतलब जो मेरी स्किन को सूट करे। तो देखिए कभी कभार तो मैं ऐसा करती हूँ कि एलोवेरा जेल से ही अपने चेहरे की अच्छे से मसाज करके और ओवरनाइट के लिए छोड़ देती हूँ, ठीक है। कभी कभार मैं ऐसा करती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई होने लगी है तो मैं कोई भी ऑयल लेके इसमें मिला के भी लगा लेती हूँ या फिर मैं बादाम के तेल से भी अपने चेहरे की मसाज करके सो जाती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये मेरी स्किन को बहुत ही अच्छे से सूट करता है, इसलिए आपको भी वही ऑयल लेना है जो आपकी स्किन को सूट करता है। तो देखिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अब लास्ट में जो मैं मसाज करने जा रही हूँ, मैं किसी से कर लेती हूँ, मैंने आपको बता दिया। तो मैं थोड़ा सा लूंगी एलोवेरा जेल हल्का सा और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा गुलाब जल। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसके अंदर गुलाब जल डालूंगी, थोड़ा सा डाल लिया मैंने। डालने के बाद अब मैं थोड़ा सा ही इसके अंदर लूंगी ये क्या बादाम का तेल, यानी कि तीनों चीजें मुझे दोबारा से लेनी है। और ये तो मैंने एक पैक की तरह अभी लगाया था, मतलब एक पैक की तरह अच्छे से मेरे चेहरे पे 10 से 15 मिनट के लिए मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया। अब मैं इसी से मतलब अपने चेहरे की मसाज करने वाली हूँ। तीनों को मैंने मिला लिया, तीनों को मिलाने के बाद मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ जो मैं खुद करती हूँ। सबसे अच्छी बात ये होती है कि मेरे जो ब्यूटी टिप्स होते हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, मतलब अगर आप उन्हें फॉलो करना चाहते हो तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। इन तीनों को मिलाने के बाद अब मुझे करनी है अपने चेहरे की मसाज। मसाज करने के लिए मुझे कम से कम 5 मिनट का टाइम तो देना ही होगा, मतलब मुझे ये मसाज तब तक करनी है जब तक ये तीनों चीजें अच्छे से मेरी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाती। तो मैं मसाज कर लेती हूँ, मसाज करने का तरीका मैंने आप सबको बता ही रखा है। तो देखिए मसाज मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेके मैं कभी भी नहीं भूलती अपने लिप्स पर लगाना। इसके बाद मैं इसे लगाती हूँ थोड़ा सा अपनी आईलेसेस पे, आप इसे मस्कारा जो ब्रश आती है उससे भी लगा सकते हो या फिर अपनी फिंगर से भी लगा सकते हो। आप इसे अपनी आईब्रोज पे लगा सकते हो हल्का सा लेके। तो फ्रेंड्स ये था मेरा विंटर नाइट स्किन केयर रूटीन। आप सभी को कैसा लगा तो मुझे बताना कमेंट्स करके। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल पूजा। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसका लिंक दे दिया है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में। ऐसे ही प्यारी सी वीडियो के साथ आप लोगों से बहुत ही जल्दी से मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।